करनाल के लघु सचिवालय के सामने चल रहा किसानों का धरना आज सोमवार को 11वें दिन में प्रवेश कर गया। आज भी किसानों ने सरकार पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की, साथ ही कृषि अध्यादेशों का पुरजोर विरोध किया। आज किसानों ने आगामी दिनों में महापंचायत करने का भी ऐलान किया। किसानों ने कहा कि इस पंचायत में अध्यादेशों को निरस्त कराने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाएगी। किसानों ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों के लिए अनेक घोषणाएं व वायदे किए थे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी की बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काले कानून वापस लो, वापस लो, किसान एकता। ये तीन अध्यादेश जो मोदी सरकार लेके आई है काले कानून है, और इसी के विरोध के ही अंदर जो है हम जगह जगह पे हमारे धरने रखे गए हैं, और जो है आपको पता है पिपली के अंदर भी था, हिसार सरसा के अंदर भी था, इतना बड़ा लाठी डंडों के साथ वहाँ हमारे साथ क्या हुआ ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता दें हम आपको एक बात कि सरकार की इतनी गंदी पॉलिसी थी उसके अंदर क्या इन्होंने क्या करा, दो सांड बीच में ले बांट दिए, और सांड जो थे वो बैल जो थे जिधर भी जाते थे उधर ही पब्लिक के जब हमारे ऊपर भी चढ़े, हम कैसे ऐसे उधर उधर भाग भूग के हम कैसे जान बचाई। कुछ बुजुर्ग आदमी थे उनको पानी के लिए इतनी वो हो गई थी, सिरसा के अंदर जो दुष्यंत चौटाला के जो उधर के जो उनके आदमी थे उन्होंने बीच में सांड बांट दिए, उससे अफरा तफरी इतनी मच गई कहने की बात नहीं है। और इनके ही बीच में कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने बट्टा फेंक दिया या कुछ भी करा वहाँ, और वहाँ से वो लोग भड़क गए और अथरू गैस और पानी के बछारे भी वहाँ की गई लांडी डड्डे से, वहाँ उन्होंने हमारे ऊपर लाठियाँ भी बरसाई लोगों के ऊपर, मतलब वहाँ इतना बड़ा वो था हज़ारों की संख्या के हिसाब से। इनको आज मोदी सरकार को ये पता होना चाहिए कि तीन अध्यादेश जो आप कानून लेके आए हैं इसके विरोध के अंदर आज प्रदेश जो है सारा जाग चुका है। जितना चिर आप ये काले कानून वापस नहीं लेते मोदी जी आपके कोई खड़ा लोग नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों को बच्चे बच्चे को पता चल चुका है, आपको पता है आपकी एक ही पॉलिसी है, अडानी अंबानी वर्गी जो बड़े बड़े पूंजीपति थे उनके हाथ के अंदर आपने ये दे के कमान को आप यही चाह रहे हैं ना, जो 2006 के अंदर बिहार के अंदर यही कानून लेके आप आए थे और वहीं आज भी कानून लागू है, और वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ जो मजदूरी करने आते हैं मजदूर नहीं है वो किसान है, क्योंकि उन्हें हमने खुद देखा हुआ है वहाँ के जाके खगड़िया बिहार के घोड़ासैन के अंदर मुजफ्फरपुर के अंदर हमारा संगठन है वहाँ अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन का, तो वहाँ भी हम जाके देखते हैं वो बेचारे जो यहाँ मजदूरी करने के लिए पंजाब हरियाणा के अंदर आते हैं वो एक किसान है, तो वही पॉलिसी के दिमाग में भी ये बात है कि हरियाणा पंजाब को भी ये मजदूर वही से वैसे के वैसा बनाना चाह रहे हैं, मगर आज लोग जो हैं मजदूर नहीं बनेंगे। मोदी जी आज किसान जो है जाग चुका है, सड़कों पे आ चुका है, हम तो आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप जो है किसी तरह से भी ना इसको कानूनों को वापस ले लो तो अच्छी बात है। नहीं देखो हम तो एक बात कहते हैं अगर इसको कुछ संशोधन करे हमारे जो संगठन है उनको बुलवाए, बुलवा के उसके बीच में उनकी हमारी भी सलाह ले सारे संगठनों की मिलकर, और जो बीच में इसको संशोधन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, मगर ये सीधा ही किसी को ऊपर ठोक देना वो भी तो बात नहीं। समर्थन मूल्य MSP पे जो रेट इन्होंने कहा था उस पर भी खरीदी नहीं जा रही है, झूठे जुमलेबाजी है कि 1888 रुपये का साहब जो सरकार ने इसका रेट निकाला है जीरी का उस पर कोई रेट नहीं बिक रहा, आप जाके मंडी के अंदर देख लो किसान त्रास त्रास कर रहे हैं। हमारा कदम आगे है 27 तारीख को जो है आज 26 तारीख है, 27 को हमारी रुकाबगंज गुरुद्वारा के अंदर संगठनों की मीटिंग है, और उसी मीटिंग को आगे जो निर्णय है वो आर पार की लड़ाई का है, आगे जो आगे डेट रखेंगे वो आपको बता दिया जाएगा जो आगे क्या करना है। तो फिर हम सड़कों पे हैं और हर तरह से जो है निकल पड़ेंगे दिल्ली के लिए, कूच करेंगे और वहाँ ग्रो करेंगे दिल्ली के अंदर। सरदार गुरमुख सिंह अन्नदाता भारतीय किसान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब तक ये काले कानून वापिस नहीं लिए जाते सरकार द्वारा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और इन काले कानूनों के अंदर है भाई हमारे किसान संगठनों को बुलाए, और इसके अंदर हमारे किसान संगठन ये कह रहे हैं भाई आप MSP को है, अगर जो MSP से नीचे फसल को खरीदता है उसके लिए आप सजा का प्रावधान कीजिए, अगर आप उनको तो फ्री छोड़ रहे हो भाई वो जो मर्जी उससे खरीदें,
इस समय के अंदर आपने देखा कि PR-GRI जो 1888 रुपए का जिसका गवर्नमेंट रेट है, MSP रेट है, वो 1600 और 1500 रुपए में भी खरीदी गई है। और खरीदने के बाद अब ये गवर्नमेंट की जो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे गवर्नमेंट के इशारे पे, कल को इनको लाइसेंस मिल जाएगा तो ये कैसे अपनी मनमानी से बाज आ जाएंगे। इनको स्टॉक करने के लिए क्या है, आज़ादी दे दी भाई कितना स्टॉक करो। अगर ये स्टॉक करते हैं तो थोड़ा सामान मार्केट में निकालेंगे, क्या उससे कीमतें नहीं बढ़ेंगी? और जब अगला कदम यही हमारी है, जो ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग के अंदर जो निर्णय लिया जाएगा, हम सभी संगठन है यूनियन के निर्णयों के साथ हैं, हम उसके लिए अपनी जी जान से है उस इन कानून के खिलाफ और इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। जलाने का असर सरकार के ऊपर होता है, सरकार घबराती है, किसानों के बारे में सोचेगी। अभी 1 तारीख से लेकर 9 नवंबर तक जन जागरण अभियान हरियाणा के अंदर किसानों द्वारा चलाया जाएगा। 9 तारीख को CMCT में सभी जत्थे आएंगे और वो CM को चेतावनी देंगे कि इन तीनों किसान विरोधी अध्यादेशों को, कानूनों को जो सरकार ने संसद में पारित किए हैं, इनको तुरंत वापिस लें और MSP प्राइस लागू करें, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करें। SP त्यागी, ATEC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हरियाणा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.